अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अदनान अब्बास ऑफिशियल। दोस्तों, पाकिस्तान में VPN का इस्तेमाल 6000 गुना बढ़ चुका है। कभी हम X या ट्विटर के लिए VPN यूज़ करते हैं, कभी फेसबुक के लिए VPN यूज़ करते हैं, कभी व्हाट्सएप के लिए यूज़ करते हैं और कभी दीगर वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए VPN यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में आए दिन ये मसला होता रहता है कि कोई ना कोई सोशल मीडिया वेबसाइट्स जो है उसको डाउन कर दिया जाता है या फिर इंटरनेट को स्लो कर दिया जाता है, जिसके लिए मजबूरन पाकिस्तानी आवाम को VPN का यूज़ करना पड़ता है। तो क्या VPN यूज़ करते हुए हमारे बैंकिंग ऐप्स जो हैं या दीगर जो पेमेंट के लिए हम ऐप्स यूज़ करते हैं, जैसे कि ईजी पैसा या जेएस कैश, तो ये सारी चीज़ें महफूज हैं या नहीं, या हमारा दीगर जो डेटा है, पासवर्ड वगैरह या फिर हमारे फ़ोन में दीगर जो मीडिया पड़ा हुआ है वो महफूज है या गैर महफूज, इन सारी चीज़ों पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना हरगिज ना भूलें। VPN दरअसल एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, यानी सादा अल्फाज में मैं अगर आपको समझाऊँ, ये आपकी IP एड्रेस को वर्चुअली चेंज कर देती है, यानी आपको टेम्परेरली एक दूसरी जगह का यूज़र शो करती है, जिससे आपको जो ब्लॉक वेबसाइट्स है जो हुकूमत की जाने से ब्लॉक दिए गए हैं वो आपको इजीली एक्सेसिबल होते हैं और आप उसको यूज़ कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, VPN इस्तेमाल करना एक रिस्की काम होता है, क्योंकि हम में से अक्सर लोग फ्री VPN यूज़ करते हैं और फ्री VPN का कुछ पता नहीं होता कि वो कब और कैसे हमारा डाटा लीक कर दे। तो इसलिए VPN इस्तेमाल करते वक्त चंद एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार किया करें। वो ये कि अगर आपने VPN ही यूज़ करना है तो आप पेड VPN यूज़ करें, यानी पैसों से VPN खरीद कर वो वाले VPN यूज़ करें, वो ज़्यादा सिक्योर होता है फ्री VPN के निस्बत। दूसरा, अगर आप पेड VPN खरीद नहीं सकते तो वो वाला VPN यूज़ करें जिसमें एड्स कम से कम आते हों या एड्स बिल्कुल ना आते हों, क्योंकि जब आप VPN ऑन करते हैं या फिर बंद करने लग जाते हैं तो उस पर एड्स आ जाते हैं और आप गलती से उस पर क्लिक भी कर लेते हैं तो उससे भी आपका डाटा जो है ना वो लीक होने के चांसेस होते हैं। और दूसरा ये कि जब भी आप कोई सेंसिटिव ऐप इस्तेमाल करें, जैसा कि कोई बैंकिंग ऐप हो गया या फिर मनी ट्रांसफ़र के लिए कोई ऐप जैसा कि ईजी पैसा या फिर जेएस कैश, VPN को अपने प्रॉपरली बंद कर देना है और उसके बाद ही आपने अपने बैंकिंग ऐप्स को यूज़ करना है, तो इससे भी आप मुमकिन तौर पर नुकसान से बच सकते हैं। फ्री VPN में बेस्ट VPN कौन कौन से हैं उस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको मिल जाएगी चैनल पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें।